दिल्ली में पॉल्यूशन का असर जनकपुरी के दिल्ली हाट में चल रहे विंटर कार्निवल में भी दिखा। बढ़ते प्रदूषण के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए डांसर्स ने मास्क लगाकर डांस किया। इसके बाद बारी आई फैशन शो की। फैशन शो में हिस्सा लेने वाली लड़कियों ने भी मास्क लगाकर रैंप वॉक किया। इसके जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि अगर अभी हम नहीं संभले तो हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा। दिल्ली पर ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। चार डिग्री के टॉर्चर के साथ दम घुटने लगा स्मॉग। ये हाल तब है जब दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक बना हुआ है। पोल्यूशन के प्रॉब्लम के लिए जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं या एल्डरली लोग हैं या जिनको अंडरलाइन कार्डिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो ये प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी अपने तरफ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त न पराली जल रही है न दिवाली के पटाखे जलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद प्रदूषण कई गुना खतरनाक हो चुका है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। जनकपुरी के दिल्ली हाट में आयोजित विंटर कार्निवल में कलाकार मास्क लगाकर परफॉर्म करते दिखे। इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से ऑड इवन लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। हम सबको मिलके पर्यावरण को दूर करना पड़ेगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है।